बड़ी खबर, महाराष्ट्र के जालना में आईटी की बहुत बड़ी रेड हुई है। आईटी की टीम का फिल्मी अंदाज में छापा, गाड़ियों पर लिखा नजर आया राहुल वेट्स अंजलि, शादी वाले स्टिकर के साथ पहुंची आईटी की गाड़ियां, किसी बारात की तरह एक साथ 100 से ज्यादा गाड़ियां पहुंची। जालना में 4 व्यापारियों के ठिकानों पर एक साथ रेड मारी गई। आयकर विभाग ने 58 करोड़ की नकदी बरामद की है। 58 करोड़ सिर्फ कैश मिला है, 32 किलो सोना और कई प्रॉपर्टी के कागजात भी मिले हैं। 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति का पता चला है। महाराष्ट्र के जालना में ये काले कुबेर पकड़े गए हैं और खास बात ये कि जो छापा मारा गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, उसे किस तरह से फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया गया ये आप देखिए। 100 से ज्यादा गाड़ियां एक साथ इन व्यापारियों के ठिकाने पर पहुंचती हैं और गाड़ियों पर देखिए किस तरह से लिखा हुआ है राहुल वेट्स अंजलि, यानी जो भी इन गाड़ियों को देखे उसे ये लगे कि मानो कोई बारात जा रही हो। और यही वजह है कि किसी को कहीं कोई शक नहीं हो पाया, कोई भी सूचना नहीं दे पाया इन व्यापारियों को कि वो सतर्क हो जाएं, इनकम टैक्स का छापा पड़ने जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, वो पोस्टर भी हम आपको लाल घेरे में दिखा रहे हैं, राहुल वेट्स अंजलि लिखा हुआ है, यानी किसी को शक नहीं हो पाया कि आईटी की इतनी बड़ी रेट पड़ने जा रही है। और देखिए उसका अंजाम क्या हुआ, दूसरी तस्वीर में आपको अंजाम नजर आएगा। 58 करोड़ की तो सिर्फ नकदी पकड़ी गई है, 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति के कागजात मिले हैं, यानी ये बहुत कामयाब रेड रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, जिसे फिल्मी अंदाज में आईटी की टीम ने अंजाम दिया। शादी समारोह के स्टिकर लगी गाड़ियों में इनकम टैक्स की टीम आई और छापा मारा गया और सामने नजर आया नोटों का पहाड़। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, फिल्मी अंदाज में छापेमारी हुई और उन व्यापारियों को घेरे में लिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो कर रहे थे टैक्स की चोरी।